कुछ फीमेल्स ऐसी भी होंगी उनको पता नहीं होगा कि हमारे पास साइबर पुलिस है, हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन है। चाइल्ड लेबर इससे पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गई। ये एक फीमेल को पता होना चाहिए कि मैंने रिसेंटली इस बात पे लिखा था कि ये भी एक गुड गवर्नेंस में आता है। हमारे समाज में वुमेन्स एजुकेशन का होना कितना जरूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह के क्राइम्स होते थे वुमेन के खिलाफ, आज साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, ऑनलाइन बुलिंग, फ्रॉड्स। मैं औरत हूँ यहाँ मेरी इज्जत भी लूटी जाती है, मैं औरत हूँ यहाँ मेरी इज्जत भी लूटी जाती है और गैरत के नाम पर मेरी जान भी जाती है। नाज़रीन किराम, अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में लगातार क्राइम रेट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, चाहे हम मॉलेस्टेशन केस की बात करेंगे, चाहे डाउरी रिगार्डिंग केस की बात करेंगे या फिर सुसाइड केस की बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज भी नहीं है, ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट पर ज़्यादातर लिखती रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइमा तबस्सुम की। आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं सीधे बात करना चाहूँगा साइमा तबस्सुम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना टाइम लेने के। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। लगातार वादी कश्मीर में क्राइम रेट बढ़ता हुआ नज़र आता है, सुसाइड केस में भी लगातार इजाफा होता जाता है, क्या है आपके तासरात इस पे, क्यों हमें ऐसे वाकात या ऐसे केसेस बार बार देखने को मिलते हैं? देखिए, रिसेंटली हमने इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया गया, हर जगह मनाया गया, तो बहुत सारे एक्ट्स हमारे पास है, जैसे सेक्चुअल हैरेसमेंट एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी एक्ट है, पुलिस स्टेशंस बहुत ज़्यादा, अब पेनिट्रेशन ऑफ पुलिस बहुत ज़्यादा है अभी, और पुलिसिंग भी बहुत चेंज हो गई, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो गई, तो दैट मीन्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही है। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे, क्राइम्स आर इवॉल्विंग डे बाई डे, इवन फॉर्म ऑफ क्राइम बहुत चेंज हो गया। पहले एक तरह के क्राइम्स होते थे वुमेन के खिलाफ, आज साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, ऑनलाइन बुलिंग, फ्रॉड्स, वो देखने को मिल रही, इवन डाउरी डेथ्स और डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हमने रिसेंटली इन आर सोसाइटी स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, हमें इवन श्रीनगर में हमने एसिड अटैक भी एक देखा। तो दैट मीन्स इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारे एक्ट्स होने के बावजूद भी ये क्राइम्स दे आर ऑन राइज, दैट मीन्स वी नीड टू लुक ऑन आवर वैल्यू सिस्टम। मैं हमेशा इस पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो बहुत सारी डाउरी डेथ्स हमने देखी, दे वर फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, वो कोई इलिटरेट फैमिली से नहीं थी। दैट मीन्स पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो अप टू द मार्क है। तो यस, वी नीड टू रीलुक ऑन आवर वैल्यू सिस्टम, एट आवर वैल्यू सिस्टम। अगर हम वुमेन्स एजुकेशन की बात करेंगे, क्या आपका तजुर्बा कहता है आजकल के ज़माने में हमारे समाज में वुमेन्स एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अभी देखेंगे वुमेन का जो बहुत सारे इंडिकेटर्स ठीक भी हुए, इवन अगर हम पहले देखेंगे इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतनी लिटरेसी नहीं थी, अभी वुमेन्स की लिटरेसी भी बढ़ रही है, इवन डिजिटल एरा में भी वुमेन आ रही है हर एक प्रोफेशन में, इवन एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक जगह वुमेन है, वुमेन की प्रेजेंस है। तो ये एजुकेशन का ही फ़ायदा है, जो एजुकेशन के जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो एजुकेशन की पे बात आ गई और वुमेन की एजुकेशन के लिए बहुत सारी सहूलियतें गवर्नमेंट ने भी अवेलेबल रखी, तो इसका ही नतीजा है कि आज जो है बहुत सारा सुधार आ गया है। इवन हमारा जो यूथ है अभी, मुझे मतलब जितना भी मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, आज का यूथ एजुकेशन का ही एक फ़ायदा है कि अवेयरनेस स्प्रेड का ही फ़ायदा है, दे आर वेरी मच रेस्पेक्टिंग टूवर्ड्स वुमेन। नो डाउट कि क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट सब कुछ ठीक हो गया, वी नीड टू वर्क मोर ऑन इट, बट यस, एजुकेशन इज अ मेजर फैक्टर, मेजर इनपुट वी नीड टू गिव टू आवर डॉट। क्राइम को रोकने के लिए पुलिस जो काम कर रहे हैं, इस काम को हमें सराहना करना चाहिए, खासतौर पर जिस तरीके से आपने बात की, इंतजाम में भी अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन क्राइम बढ़ता क्यों है, रीज़न क्या है? फिर से मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इसके लिए। एक तो हमारा कल्चरल एक ये पैट्रियार्कल सिस्टम रहा है पहले से, ये नहीं है कि आजकल क्राइम्स है, क्राइम्स पहले से थे, फॉर्म ऑफ क्राइम चेंज हुआ है, हाँ वैल्यूज़ डिग्रेड होते जा रहे हैं, वैल्यूज़ वैल्यू एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और हम उसी से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जिसे हम प्राउडली हबा खातून का जिक्र करते हैं, लल दत्त का जिक्र करते हैं, लेकिन हम उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जिसमें हमने इवन इस एजुकेटेड दौर में हमने डाउरी डेथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्राइम को रोकने के लिए हमारा इस्लाम क्या कुछ कहता है? देखिए, मुझे लगता है फेमिनिस्ट मूवमेंट सबसे पहले हमारे रिलीजन से ही स्टार्ट हुई है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो है उस टाइम किलिंग होती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड ये होता था, फिटिसाइड होता था, तो उन पे उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। तो ऑब्वियसली मुझे ये हमारे होली बुक कुरान में भी ये हमारे ऊपर कमांड है, ये दैट वी नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन, उस पर फोकस बिल्कुल कोर है। ये साइबर क्राइम के रिगार्डिंग सवाल है, साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है हमारे बहनों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहनें जो हैं वो डरती हैं अपनी बात पुलिस के सामने रखने के लिए, अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रखने के लिए वो डरती है, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए,
जैसे आजकल टेक्नोलॉजी पार्ट एंड पार्सल हो गया लाइफ का, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यूज़ ना करें, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर, इवन एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है अब, क्योंकि मार्केट लिंकेज के लिए एंड ऑल दैट. तो साइबर पुलिसिंग का नया एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, ऑनलाइन बुलिंग भी हो रही है, ईमेल फिशिंग के द्वारा भी हैकिंग हो रही है, और ब्लैकमेलिंग भी हो रही है ऑनलाइन बहुत है, क्योंकि एक्सेस हो रहा है ना अननोन पर्सन्स का टुवर्ड्स द फीमेल्स, तो मिल रहा है. तो साइबर पुलिसिंग मैंने रिसेंटली देखे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत सारे केसेस उनने सॉल्व किए. अगर हम इवन जेके की बात करेंगे, साइबर पुलिस ने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए रिसेंटली, पुलिस ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं. बट यस, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है अभी साइबर, क्योंकि ये एक फीमेल को पता होना चाहिए कि मैंने रिसेंटली इस बात पे लिखा था कि ये भी एक गुड गवर्नेंस में आता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, मैं पब्लिक पॉलिसी पे जाते पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे, जिसमें से हमने रिक्वेस्ट की थी अपने बहनों से कि अगर आपके साथ कोई ज्यादा होती है तो आप 1-8-1 पर कॉल कर सकते हो, आप पुलिस से رابطہ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बैठा है जो कि वो कॉल नहीं कर पाते. बेसिकली मैंने यही मैं बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली लिखा था कि गुड गवर्नेंस का एक बेसिक पिलर होता है ट्रस्ट. तो गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर ऑन इट. जब तक ना ट्रस्ट बिल्ड होगा इससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, इसमें ऑनर की बात आती है, इसमें सोसाइटल प्रेशर भी होता है, इसमें सेल्फ इमेज की भी बात आती है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉन्फिडेंस देना, एक ट्रस्ट डेवलप करना, कि अगर फीमेल को लगे कि मेरे साथ ऐसे कुछ हो रहा है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी मुझे वहाँ पर रेस्पॉन्सिव सर्विस मिलेगी. ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिव सर्विस. आप वहाँ जाओगे, एक तो आपकी प्राइवेसी को भी रेस्पेक्ट किया जाएगा और वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे, आपको वो पिलर टू पोस्ट नहीं जाना पड़ेगा. तो यस, और मोर अवेयरनेस अबाउट द कि कितने एवेन्यूज हमारे पास है, क्योंकि फीमेल्स को ये भी, कुछ फीमेल्स ऐसी भी होंगी उनको पता नहीं होगा कि हमारे पास साइबर पुलिस है, हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन है. तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है स्प्रेड करना अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि ये बस मनाते रहते हैं, लेकिन मुझे, मेरा ये अप्रोच है कि हर एक चीज़ का असर होता है. अगर यहाँ पर डिबेट हो रहा है, अगर हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 10 लोगों को भी अगर इसका असर पड़ेगा इस पर, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बिल्कुल. एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सुसाइड केस में लगातार इजाफा होता जाता है, अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे, खासतौर पर टीन एजर जो है वो सुसाइड करते हैं, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या पेरेंट्स को, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को जज कर सकते हैं कि उनके बच्चे जो है वो सुसाइड करने वाले हैं, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? हाँ, अप्रोच में चेंज लाना है, क्योंकि ज़्यादातर वो कॉम्पिटिटिव जो हम बनाते हैं एक प्रेशर कुकर सिस्टम वाला, वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का ही, पेरेंट्स को देख के ही बच्चे ग्रो अप होते हैं, राइट? तो और वो सबसे ज़्यादा करीब भी होती है, स्पेशली मदर ज़्यादा करीब होती है. तो जब तक ना पेरेंट्स अपना अच्छे से रोल प्ले करेंगे, टीचर अपना अच्छे से रोल प्ले करेंगे, हर एक को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि मेंटल इलनेस भी बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा है. तो वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से बाहर आना है और रियलिस्टिक वर्ल्ड में इट इज़ ओके अगर किसी से गलती होती है, इट इज़ ओके. ठीक है, इंसान से ही गलती होती है, एंड किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट्स ओके, क्योंकि लाइफ इसी, यही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे सक्सेसफुल ऑफिसर्स, अगर जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हुए, उनकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं होती है. तो सक्सेस का मेजरमेंट हम एक ही चीज़ से नहीं करेंगे कि आपके ग्रेड्स कितने आए या आपके लुक्स कैसे हैं. तो ये अभी जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ, इस अप्रोच को हमें चेंज करना चाहिए, इस पे काम करने की ज़रूरत है और इसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से मैं भी समाज में जाता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, ज़्यादातर समाज में आजकल क्या देखने को मिलता है कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए या चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कैसे इकदाम हमें उठाने चाहिए, कैसे इकदाम एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने चाहिए, कैसे इकदाम पुलिस को उठाने चाहिए, और इस हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी? हाँ, ये भी एक सेंसिटिव इशू है. मुझे लगता है चाइल्ड लेबर इससे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गई जो सोशल मीडिया की वजह से इवन जल्दी हाईलाइट चीज़ें हो जाती हैं. लॉज हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस है, बट यस, गवर्नमेंट नीड्स टू डू मोर फॉर इट. क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है? हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है. तो आप गवर्नमेंट को यहाँ पे जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराती हो? हर इवन या तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो या फिर गवर्नमेंट से डर लगता है? नहीं, गवर्नमेंट से डर नहीं लगता है, बट मैं लिखती रहती हूँ इसके रिलेटेड भी. मैंने लिखा है कि रिक्रूटमेंट्स जो यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं उसका साइकिल स्मूथली चलना चाहिए और जल्दी ही ठीक, टाइम बाउंड मैनर में रिक्रूटमेंट का साइकिल अगर कंप्लीट हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और आसानी पैदा होनी चाहिए, जैसे
ईज ऑफ दिस बिजनेस, अगर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस उसके लिए थोड़ा सा इजीनेस ला, उसके प्रोविजन थोड़ा और इजी करो, और एक एनवायरमेंट अगर गवर्नमेंट डेवलप करता है, इवन बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारी स्कीम्स लाई भी हैं गवर्नमेंट ने, आप देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जेके में, बहुत सारी लड़कियों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है, बहुत सारे नए लड़कों ने भी इवन बींग एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वो फार्मिंग की तरफ या बाकी अदर एलिड एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहे हैं. यस, इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी देखा गया 45 ईयर के बाद इतना हाई है, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है. मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी एलजे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके ओर रिलुक किया जाए, क्योंकि जो हमने रिसेंटली बहुत सारे क्राइम्स देखे, स्पेशली अगर हम देखेंगे थेफ्ट के क्राइम्स होते हैं या ड्रग अब्यूज़ होता है या हमने देखे सुसाइड रेट्स होती हैं, और मेंटल इलनेस जो विजिबल नहीं है, जो इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका असर लॉन्ग टर्म असर हमारी बॉडी पे रहता है, इवन हमारी रिलेशनशिप्स पे भी रहता है, इवन जो है मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से हमारी हेल्दी रिलेशंस, फिर ये सोशल क्राइम्स, ये इसी का एक विशस साइकिल बनता है, तो ये भी इसी का एक हिस्सा बनता है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए. बहुत शुक्रिया जी. नाजिकराम भी हमारे साथ बात कर रही थी साइमा तबस्सुम, जिस तरीके से आज हमने इनके साथ बात की, एक अहम मुद्दे पर बात की. आए रोज हमें सुसाइड केस में लगातार इजाफा देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ मॉलेस्टेशन केस की बात करेंगे, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, यानी कि क्राइम रेट जो है वो वादी कश्मीर में लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है. और इन्होंने भी एक अच्छी मैसेज दी उन माँ बहनों के लिए जिनके साथ ज्यादती होती है, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको अपनी बात जो है वो अल्लाह हुकाम के सामने, पुलिस के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने रखनी चाहिए. मगर लगातार आपको और भी किसी न किसी शख्स के साथ रूबरू कराने की कोशिश करेंगे. आप बने रहे हमारे साथ गांधरबल से, मैं एजाज़ तांत्री.